देखो मैं आज से 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरे पीछे सैलून का अच्छे से ध्यान रखना है। अरे मैडम, आप ना खामखा परेशान होते हो। आपको पता नहीं मेरे दादा क्या करते थे? बता ना। मेरे दादा सैलून का काम करते थे, मेरे पापा सैलून का काम करते थे, मैं भी यही करता हूँ, आगे मेरे बच्चे भी यही काम करेंगे। आप ना परेशान मत हो, इस सैलून की ग्रोथ ना मैं ऐसे ऊपर ले जाएंगे 2 दिन में ही। और मैडम आप ना हम दोनों में भरोसा रखो, आपको पता है हमसे ज़्यादा चोर मतलब ईमानदार भी मिलेगा ही नहीं आपको। जो भी है, अगर मेरे पीछे कस्टमर को कोई दिक्कत आई ना या मुझे कोई शिकायत आई तो तुम दोनों को ना मैं जॉब से निकाल दूंगी। नहीं आएगी। अबे यार क्यों ओनर की बेटी ज्यादा नहीं बोलती कुछ? मैं ज्यादा नहीं बोलती, मुझे पसंद करती है, बहाने ढूंढती रहती है बात करने के। तू ये सब नहीं समझेगा, 2 दिन में तुझे काम सिखा दूंगा मैं सब। चला सस्ते। देख सुन, जितना भी काम आएगा ना पहले मुझे बताना, सीनियर मैं हूं ना, है ना, तुम मुझे बता। सर कभी तो चाय पिला दिया करो। अबे अनुराग यादव जेब में 1 पैसा नहीं है, पिलाऊंगा चाय भी आपसे। अच्छी ना मैं कम से कम चाय कॉफी का तो पूछती है। अच्छे बेटे, वेलकम टू डिवाइन ब्यूटी यूनिसेक्स सैलून सर। आइए आइए आइए, बैठे सर, बैठिए जी। सर बताइए क्या करना है? एक हेयर कट कर दो तगड़ा सा। ये देखो। रहने दीजिए सर, हमारे यहाँ सब हीरो ही बनने आते हैं और हीरो बनाने का काम हमारा ही है। सलमान खान पहले सलमान खान ही था। सलमान खान को किसने बनाया पता है? आकाश सर ने। और शाहरुख खान भी पहले शाहरुख खान ही था। शाहरुख खान को किसने बनाया? आकाश सर ने। पता है कैसे? हेयर कट से। अब अनुराग तुम ये मत बता देना कि ये जो एलविश यादव और अभिषेक मलान है इनका भी हेयर कट हमने किया था तब ये बिग बॉस में गए थे। तो बताना पड़ता है ना, लोग कैसे पता चलेगा। पर अच्छा नहीं लगता ना ऐसे अपनी तारीफ करना। खैर छोड़ो सर, बताइए क्या करना है? हेयर कट ना सर, बोलती भी रही है। सो पट्टी लाइए, आंखों पे पट्टी, चलो कटिंग करो। ये क्यों सर? ये हमारे सैलून की पॉलिसी है। देखिए अगर आप हमसे कट करना सीख जाए तो आप तो चलते फिरते लोगों को सलमान खान बना देंगे ना। तो देखिए ये तो हमारी पॉलिसी है। सो करे कट। अबे कैंची तो लिया। अबे वो अनुराग, वो बाहर बोर्ड लगवा दिया ऊपर का? हाँ हाँ लगवा दिया। अब देख कस्टमरों की कैसे लाइन लगती है, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन सर मुझे एक बात नहीं समझ में आई, ये ऑफर का बोर्ड्स लगवाने से और ये कस्टमर के आने से हमारा क्या फायदा होगा? इसमें तो सारा पैसा सैलून ले जाएगा ना। अबे सैलून वालों को दूंगा तभी तो सैलून वाले ले जाएंगे ना। और ये सब अगर तुझे पता लग जाता तो सीनियर तू ना होता, चुपचाप काम पे ध्यान दे अपने। एक्सक्यूज मी भैया, एक्चुअली मैंने आपका बोर्ड देखा था बार ऑफर्स वाला, तो मुझे आप बता देंगे कि क्या क्या ऑफर्स हैं? हाँ है ना मैम ऑफर। देखिए अगर आप हमसे 10,000 रुपये का पैकेज लेते हैं उसमें मैनीक्योर पेडीक्योर स्क्रब डी टेन नेल एक्सटेंशन, और मैडम आप कितने खूबसूरत हो, कैटरीना कैफ लगते हो आप, मैं आपको पियर आडवाणी बनवा दूंगा, बस आप हमारा पैकेज ले लीजिए। और हाँ मैडम, 1 महीने की मेंबरशिप फ्री, मतलब 20,000 रुपये की चीज 10,000 रुपये में। अच्छा ठीक है मैं ऑफर ले लेती हूँ। पर सर मैडम को आपने टर्म एंड कंडीशन तो बताया नहीं। टर्म एंड कंडीशन? हाँ मैडम, आपको क्या करना है, आप प्रोडक्ट लेंगी 10,000 रुपये के, आपको मेंबरशिप मिलेगी, बस आपको ऊपर से 10,000 रुपये और देने हैं। 10,000 रुपये देने हैं उसके ऊपर भी 10,000 रुपये देने हैं, तो फिर इसमें ऑफर कहाँ हुआ? अरे है ना मैम ऑफर, बिल्कुल फ्री, आपको 10,000 रुपये देने हैं और आपको मेंबरशिप फ्री। फ्री है 10,000 रुपये देने हैं? फ्री है, मैंने बोला ना आपको भी फ्री है। पर अभी तो आप लोगों ने कहा कि 10,000 रुपये देने हैं। अरे 10,000 रुपये इसने बोला, मैंने तो फ्री बोला है। आप पागल पागल है क्या? लुक के मैं ही कम समझदार है। आप ये छोड़ो छोड़ो, बोल जाओ। देखो हमारे पास आपके लिए एक ऑफर हो रहा है। क्या ऑफर है? ये प्रोडक्ट है 20,000 रुपये का, ये प्रोडक्ट है 5,000 रुपये का, और ये प्रोडक्ट है 5,000 रुपये का, और ये दोनों प्रोडक्ट है 10,000 रुपये के। 10, 10, 20 कितने हुए? 40। आप ये 40,000 रुपये के प्रोडक्ट ले जाए और सिर्फ 5,000 रुपये में। सिर्फ 5,000? ठीक है मैं डन कर रही हूँ। पेमेंट कहाँ करनी है? फॉर्म भरवाओ मैडम का। एक सेकंड, फॉर्म EMI का? EMI? हाँ मैडम, आप ये प्रोडक्ट 5,000 रुपये ले जाओ, पर आप महीने के महीने EMI भरते रहना, और ये जैसे प्रोडक्ट के 40,000 रुपये कंप्लीट हो जाएंगे प्रोडक्ट आपका। आप मतलब पागल पागल हो क्या? ओ पागल होगी तू, एक तो ऑफर दे रहे ऊपर से समझ नहीं रही है और कुछ नहीं लगती तू कैटरीना, लाई बड़ी कियारा आडवाणी बनने, चल निकल यहाँ से। डिस्गस्टिंग। यू डिस्गस्टिंग। सर लेकिन ये तो चली गई प्रॉफिट। अबे कोई और आ जाएगी ना, एक प्रोडक्ट संभाल। और सुन इस बार थोड़े रेट कम कर लेंगे, मेरे को लग रहा हमने ज्यादा रेट कर दिए। वैसे ये तो वैसे भी रही इस खानदान की नहीं लग रही। वही ना वही छपरी थे। अरे बाबू हम बार बार ना बहुत अच्छे होते हैं, हम लड़कियों की तरह नहीं होते,
जो बिना बताए काट दे। हम ना हमसे पूछ कर काटते हैं। हाँ और तुमको पता है क्या, आइए सर आइए, क्या करवाना है आपको? भैया थोड़े से बाल काट दो। लेट जाओ लेट जाओ, मैं काटूँ। और थोड़ी सी, हाँ 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 चुपचाप। हाँ बाबू। अरे बाबू यार गुस्सा क्यों होती हो? कभी प्यार भी कर लिया करो ना, देखो ना मैं कितना करता हूँ तुमसे प्यार। अरे अरे भैया क्या कर रहे हो यार, पानी को देखो जरा। हाँ भाई लेटे रहो यार तुम। अरे यार कोई नहीं, कस्टमर है। हाँ। बाबू वैसे हम इतने दिनों से मिले नहीं हैं, सब कम में रोगी। अच्छा तुम्हें पता है अब जब हम मिलेंगे ना तो सबसे पहले तो मैं तुम्हारे बालों पे बहुत प्यार से हाथ लगाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी आँखों पे हाथ लगाऊंगा। अरे भाई क्या कर रहे हैं, बैठे रहो यार भैया। आँखों के बाद मैं नीचे क्या कर रहा है भाई, स्वागत मना लेना, यहीं पे लेट जाता हूँ मैं। कटिंग कर यार सही से। सॉरी भैया सॉरी, वो गलती हो गई। आ जाओ वो भैया क्या है ना, अभी नई नई गर्लफ्रेंड बनी है तो मैनेज करना पड़ता है। आपकी भी गर्लफ्रेंड होगी ना? हाँ। बस यार मत पूछ। मेरी तो तीन है भैया, एक से बात करो तो दो से नहीं हो पाती, और उन दो से बात करो तो एक से नहीं हो पाती। अब मैनेज तो करना पड़ेगा ना, आपको तो पता ही होगा लड़कियाँ कितनी आसानी से काट देती हैं। आप ये सब छोड़ो, मैं आपके बाल काटता हूँ। आ जाओ। अक्षरा दीदी ने तो ये सैलून बताया था, लग भी बहुत अच्छा रहा है, पता नहीं कैसे बाल काटे हैं, कुर्सी भी बहुत सॉफ्ट है। एक काम करता हूँ ना, घर ले जाता हूँ। नहीं बहुत हैवी हो गया, उठा नहीं पाऊँगा। ये क्या है, एक काम कर दो इन्हें घर ले जाता हूँ। हाँ आगे भैया, वैसे ये बाल वाल काटने में कितना टाइम लगेगा? थोड़ी देर लगेगी, आप सीधा देखें। 10-15 मिनट लगे तो भी चलेगा, नहीं 1 घंटा लगे तो भी चलेगा, वैसे भी मेरे को घर पे कुछ काम नहीं है। आप सामने देखोगे तभी तो मैं कट कर पाऊंगा। वैसे भैया आपके सैलून में और कितने लोग काम करते हैं? यही 2 से 3 लोग। अरे भैया झूठ के बोल रहे हो, उस्ताद के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चा समझ के उल्लू बना रहे हो क्या? बेटा वो खाना खाने गए, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा भैया आप नहीं गए खाना खाने, आपको भूख नहीं लगती? मैं तो पेट भर कर खाता हूँ। अच्छी बात है, सामने देखो। भैया आपने सब कोर्स किया है? नहीं नहीं कोर्स तो नहीं किया। भैया आप उसका कोर्स करना चाहिए था, वरना आप मेरे बाल कैसे काटोगे? अरे बेटा कोर्स नहीं किया पर 2 साल का एक्सपीरियंस है, अब सीधा देखो। वैसे भैया मैं भी ना आपकी तरह एक बड़ों का सैलून खोलूंगा, आप उसमें नौकरी करोगे? ठीक है। मैं पक्का समझू? अरे बेटा मैं तुम्हारे सैलून में क्यों नौकरी करूंगा? तो आपने पहले हाँ क्यों बोली? ताकि तुम चुपचाप बैठ जाओ। अरे भैया ये तो गलत बात है ना। अबे वो शांत हो गए, बाल कटवा ले मेरे बाप, अगर तू बाल नहीं कटवाएगा तो मैं कमाऊंगा क्या, और कुछ कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। अगर इस बार बोला ना ये कैंची तेरे अंदर घुसा दूंगा। अरे भैया किसका फोन है, आपकी गर्लफ्रेंड का फोन होगा ना? नहीं नहीं क्लाइंट का था। हाँ भैया मैं वही सोचूं, आप जैसे शक्ल के लड़के को कौन ही बॉयफ्रेंड बनाएगा? अबे वो झिंगूर सी शक्ल के, अरे चश्मा लगा के ऐसा लग रहा है डबल बैटरी, और दांत चूहे जैसे। और खड़ा हो। अगर आज के बाद तू सैलून के आसपास भी दिखा ना तो तुझे सुअर बना दूंगा, देख ले यहाँ से। ये आजकल के बच्चे भी ना रील्स देख देख कर और पबजी खेल खेल के इतना दिमाग आ गया, और मेरा चाट गया। एक्सक्यूज मी मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो भाया मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने बाहर बोर्ड देखा, तो क्या क्या ऑफर है यहाँ पे? मैम वैसे तो हमारे सैलून में कोई ऑफर नहीं होता, फिक्स प्राइस है, पर जैसा आज संडे है उसके लिए एक स्पेशल ऑफर है। वैसे आपको कराना क्या है? मेरे को स्ट्रेटनिंग करवाना है। ठीक है मैम, स्ट्रेटनिंग का वैसे तो हमारे यहाँ 3000 है, पर ऑफर की वजह से 2500 में हो जाएगा। बस 2500? और फेशियल का? मैम फेशियल का वैसे तो एज यूजुअल 700 है, पर ऑफर की वजह से 500 में हो जाएगा। और मेरे पास ना आपके लिए एक पैकेज है, अगर आप मैनीक्योर पेडीक्योर भी कराते हैं और साथ में आपको फेशियल भी मिलेगा 10,000 में, और ऑफर लगने के बाद 7500 में।
बस 7500। तो मैं आपको पूरा सिर्फ 150 रुपया दूंगी। अगर आपको करना है तो कर दो, वरना मैं जा रही हूँ। 150 रुपये? ओ मैडम, ये सैलून है, सब्जी मंडी नहीं। ओ कम ऑन भैया, इतना नहीं है। चलो ना, आपकी ना मेरी 200 रुपये में कर दो। पागल है क्या, पाव भाजी खाने आई है क्या? चल खड़ी हो, वो रहा दरवाजा, निकलो यहाँ से। कम ऑन भैया, 250 में डन कर दो ना प्लीज। अबे क्या 100, 150, 200, 250 लगा रखा है, समझ में नहीं आता क्या? ये सैलून है और यहाँ बड़े लोग आते हैं, तेरे जैसे छपरी नहीं। निकल यहाँ से और आज के बाद आना मत। देखने से अमीर लग रही थी पर ये तो छपरी निकली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो आप सभी को मैं बता दूँ, हमने बहुत टाइम बाद दोबारा YouTube स्टार्ट किया है, तो आप सभी का सपोर्ट और प्यार तो भाई चाहिए ही चाहिए। तो ये एक सब्सक्राइबर अपील नहीं, ये एक आपसे अपील है इस चीज़ की। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल कंटिन्यू चलता रहे, हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहे और धीरे 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 हम एलविश यादव भाई की तरह बिग बॉस में जाए, तो प्लीज़ प्लीज़ नीचे कमेंट भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, अपना कोई भी फेवरेट पार्ट बता दो, सब्सक्राइब भी करो और अपना कोई भी फेवरेट पार्ट बता दो नीचे। पर भाई प्लीज़ कमेंट जरूर करो, लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कर दिया, जरूरी करता था। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। लव यू गाइस, बाय बाय।